स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई थी। विवेकानंद जी का झुकाव अध्यात्म की ओर बचपन से ही था और वे सच्चे गुरु की तलाश में थे। यह तलाश उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक ले गई, जो उनके गुरु बने। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें ईश्वर और आध्यात्मिकता के सही अर्थ का अनुभव कराया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, जिसने विश्व को भारतीय संस्कृति और धर्म की महानता का परिचय कराया। इस भाषण ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और लोगों को सेवा और आध्यात्मिक का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को कर्म और ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया और उससे नई पहचान दी। स्वामी विवेकानंद का जीवन 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को समाप्त हुआ। हालांकि उनका योगदान और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास को दर्शाती है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे एक नाव को तीर से निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे। बच्चे निराश हो रहे थे क्योंकि उनका निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देखकर स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? बच्चों ने हंसते हुए कहा, आप कैसे निशाना लगा पाएंगे जब हम इतने प्रयासों के बाद भी नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तीर कमान उठाया और कुछ देर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक तीर चलाए और हर बार उनका निशाना सही लगा। बच्चे हैरान हो गए और उनसे पूछा, स्वामी जी, आप यह कैसे कर पा रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आप कुछ करने का प्रयास करें तो पूरा ध्यान उसी पर लगाएं, अपना मन, विचार और शक्ति उसी एक कार्य पर केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे रहेंगे तो सफल होना निश्चित है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और दृढ़ संकल्प बहुत आवश्यक है। अगर हम पूरी निष्ठा से किसी काम में लग जाएं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने इसी सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया और दुनिया को दिखाया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।